दस में चौस आ गई, आए चस्के। ठंड का मौसम है, धुआं निकल रहा है, तो खान का अपनी एदा जड़ा ना चसाका है। लें जी, हम रात के स्टेक लिए यहाँ रुक चुके हैं और सर्दी जो है ना थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी है। ये देखो आगे यहाँ पे पक रही है, तो हूँ जो पाला है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। ये जी हम टूर कर रहे हैं, ये हमें भट्टी साहब माउंटेन दिखाने लाए हैं। भट्टी साहब ये क्या है ये नीचे? असल में ये पुराने वक्तों की गल है जी। जी तो इसमें जो है ना ये वड़े वड़े पड़ी हुई थी, ये आधा हिस्सा उधर चला गया है, आधा इधर आ चुका है। अच्छा, ये इस साइड पे हमारा शहर अपना प्यारा मुल्क करनाल वाला है। अच्छा, और इस साइड पे हमारा प्यारा मुल्क मकबूलपुर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इनकी जंग हुई थी आपस में? और जंगा मंगा पहले वक्तों में होती रहती थी, वो लोग की लड़ पड़ते थे। अब अमन है यहाँ? हाँ, अभी अमन शांति है। अगर कैमरा मैन मेरा दिखा सके तो वो सामने देखो, वो उनकी फौज है। हाँ जी, वो देखो कैसे लोग प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। अच्छा, कोई गल बात नहीं है, नहीं तो हूं तक इधर जिम्मे खड़े हैं सानू फैर भाग गया होता। ये उनकी बॉर्डर फोर्स इस तरफ फायरिंग नहीं करती? नहीं नहीं, ये बहुत अमन शांति वाले लोग हैं जी, ऐदा की कोई गल बात नहीं करते। इलाके छो, अपने मुल्क जहाँ जाओ जी। भट्टी साहब सारे मुल्क में सूरज नहीं है, यहाँ इन माउंटेन में सूरज भी है। हाँ जी, इसमें सूरज बाहर निकलिया हो सारे आखांगा जी, इतने आ जाए तो सूरज के नज़ारे ला लें। मौजा आए चस्के, आ जाओ भाई। देखो जी ऊपर जो है ना वो जाने का रास्ता नहीं था, ये नया रास्ता बना दिया गया है। भट्टी साहब हमारी जीप यहाँ फंस रही है, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। असल में सारा ये पहाड़ी इलाका है ना, पहाड़ी इलाकों में तुम्हें पता है बहुत मुश्किल सानू वेखनिया पैंदियां ने राह बनाने वास्ते जी। ए फिर असी जड़ा ने तू राह बनवाया, असी हुकूमत के बड़े शुक्रगुजार हाँ जी, जिन्हें इतने सानू राह काट के दिता, तो लोगों को फिरन की जगह दी है। वेखो जी जो मीह इतने यहाँ पे बारिश वस्ती है तो ऐसे सारे घोर पै जाते हैं जी। जी ये घोर पड़ा हुआ है, सारे देखे ना ये सारा ऊपर से मी वर वर के ये सारे कोहरे बने हुए है, करबा बन गई है। भट्टी साहब यहाँ से ये कब्रिस्तान के लिए ये भी ले सकते हैं क्या, इसको कहते हैं रोड? हाँ, वो सारी दुनिया यहाँ पे आ जाती है, तो यहाँ पे ये बहुत कीमती खजाना है, लोग यहाँ से आके लेके जाते हैं। वो कहते ना तेरी कब्र ते रोड पावा, वो यहाँ से आके लेके जाते हैं। अच्छा भट्टी साहब, ये जो दरख्त है इन माउंटेन्स में, तो ये सुना बहुत महंगे हैं, बहुत आला क्वालिटी के हैं? बहुत आला नायाब क्वालिटी है जी। हम हुकूमत वक्त से जो है ना अपील करते हैं इन दरख्तों की जो है ना देखभाल के लिए स्पेशल बंदे रखे जाएं, ताकि इस नायाब किस्म की जो ये दरख्त है ना इन्हों की सांभ की जाए। तो हूँ अगे आ जाओ जी, अगे आ वेखो जी, हफाजत वास्ते बंदे इतने होर फिरते पे ने। भट्टी साहब अब हम कहाँ लेके जा रहे हैं? तुम्हें घुमा के लिया आगू क्या हाल है जंगल शुरू? जरा यहाँ से आगे जो है ना सारा जंगल का इलाका शुरू हो चुका है। देखो कितना प्यारा जंगल। भट्टी साहब यहाँ जंगली जानवर तो नहीं है, हमें खा ना जाए कहीं? नहीं, यहाँ पे जो जंगली जानवर है वो दिन के वक्त नहीं निकलते। अच्छा अच्छा, तो भट्टी साहब आप तो निकले हुए हैं। मेरा उन जानवरों में शुमार नहीं होता। ये वाली सारी भट्टी साहब आगे हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। नहीं, डर लगने वाली कोई बात नहीं है, देखें जबरदस्त खूबसूरत। अगर ये भट्टी साहब ऊपर चढ़ जाते हैं आप? हाँ ऊपर चढ़ सकते हैं, बहुत हाइट है, बंदा चढ़ ऊपर तो चढ़ता है फिर बंदा बहुत ज्यादा थक जाता है। और क्योंकि हम काफी देर से पहले जो है ना यहाँ पे घूम रहे हैं, तो हूँ मेरे को ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा, तो असि अगे चलने करते हैं। ये वेखें जी यहाँ पे आके हम खुद जो ना वो क्या कहते हैं कन्फ्यूज से हो गए हैं। तो यहाँ पे दो रास्ते जाते हैं, जहाँ तक मुझे चेता पड़ रहा है ये वाला रास्ता, अगर आपने खाने पीने के लिए जाना है तो इस साइड पे आ जाए। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा तावन करते हैं, मेहमानबाजियाँ अच्छी करते हैं। इस साइड पर आप ऊपर चढ़ेंगे खतरनाक सा तो एरिया है, तो वो ऊपर जला जाता है।
उधर से जो है ना, असल में मैं आप भूल चुका हूँ बड़ी साहब, भूख लगी है, हमें इस तरफ इस रास्ते लेके चले। चले फिर इस साइड पे आ जाते हैं, जाके कोई चीज तुहानू दिखाते हैं क्या क्या खादा जाता है। बट्टी साहब मैं गिलगत बल्तिस्तान और कश्मीर की साइड पे घूम क्या, तो यहाँ तो बहुत अपने यहाँ जड़े वो वीडियो शीडियो भरते हैं वो इधर आए, यहाँ पे आके अपने प्रोग्राम आराम करें और इस जगह को जो था एक्सप्लोर करने। साहब यहाँ कैंपिंग भी हो सकती है भला? हाँ कैंपिंग हो सकती है मगर इस एरिया पे नहीं, थोड़ी सी बैक साइड पे जाना पड़ेगा क्योंकि ये एरिया खतरनाक है। हाँ यहाँ पे वाटा व्यू नाइट कैंपिंग के लिए सात झील है वहाँ पे, आप जो है ना वो क्या कहते हैं वो मछलियां फाड़ के यहाँ पे भून के खा सकते हैं। तो वो पानी पीने के भी लायक है? नहीं पीने के लिए नहीं लेना चाहिए, उससे ढेड में गड़ू गड़ू होती है, आप वहां से मछली फाड़ सकते हैं। पीने के लिए पानी आपको जो ना इधर इन लोगों से लेना पड़ेगा। बेटी साहब यहाँ से हमें कुछ खिला दें, बहुत भूख लगी है। वो आगे चलते हैं लोगों को चेक करते हैं इधर अगर मौजूद होंगे, अगर मौजूद ना हो तो वैसे ही खा लें। फिर मैं फ़ोन कर लूँगा, यहाँ पे सिग्नल का भी आने थोड़ा सा इशू होता है तो से वो करके ना उन्होंने ओपन रखा होता है, आप जाके खा भी। बेटी साहब ये गार्ड्स हैं, गार बनी हुई हैं ये? हाँ हाँ ये सारे वही हैं, अगर यहाँ पे बंदा आ जाए तो यहाँ पे अगर बारिश का मौसम हो जाए तो यहाँ पे आके रुक के बैठ सकता है ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे बंदा आके रुक के बैठा है तो बारिश जो है ना वो ऊपर से उधर चली जाती है। बेटी साहब यहाँ कुछ होटल भी रहने के लिए वगैरह है? हाँ यहाँ पे है, वो सामने देखिए अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो वो सामने होटल्स हैं, यहाँ पे आप रुक सकते। अच्छा आपने होटल वाले को शायद फोन किया था, उनका अलग आ रहा है उनका? जी जी उन्हीं का। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ पे हैं आप? हाँ मैं सकलैन बात कर रहा हूँ, मैं जमशेद साहब आपको याद कर रहे थे, उन्हीं की वजह से जो है आपका नंबर डायल किया था। तो आप कहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? बट्टी साहब ये आपने बॉडी कहाँ से बनवाई हुई है? ये मंठार वालों से बनवाई थी स्पेशल आर्डर पे। ओके ओके, तो बट्टी साहब यहाँ पे आके यकीन करें बहुत ज़्यादा गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। अच्छा तो पूरे मुल्क में सर्दी है और यहाँ गर्मी है? आपके सामने ये देख सकते हैं आप, मेरी बॉडी को टच करके देखेंगे फुल गर्म है, फुल हीट अप हो चुकी है। ओके ओके ओके, तो ये हमारे टूअर साहब ने हमें फिराया, यहाँ एक बाग था, यहाँ से टूअर साहब ने अमरूद हमें खिलाए हैं और ये मारते हैं। ये यहाँ के मौजूदा पर्सन है भाई, यहाँ पे अगर कोई विजिट करने के लिए आएगा तो फिर यहाँ से जो है ना इनसे ये ले सकता है। ये यहाँ के मकामी रहायशी हैं और इनका बाग है, ये खेतीबाड़ी करते हैं। तो ये देखेंगे फ्रेश जो है ना, बिल्कुल फ्रेश चीज़ें जो है ना यहाँ पे दस्तयाब हैं जी, इधर को अगर टूर होता है तो फिर इधर तशरीफ़ लाएं। तो लो जी अब हम खाना शुरू करते हैं। लें जी हम रात के स्टे के लिए यहाँ रुक चुके हैं और सर्दी जो है ना थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी है, तो ये क्या ले गए हैं यहाँ पे अभी खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, अब खाने का निज़ाम यहाँ पे किया जाएगा। तो ठीक है यहाँ पे ये देखिएगा दोस्त बाप पूरे बैठे हुए हैं भाईजान, यहाँ के लोग मकामी लोग जो है ना बहुत कोऑपरेटिव होते हैं जी। ये देखो ये यहाँ का मकामी बंदा है, ये यहाँ झोंपड़ियों में रहता है, तो यहाँ के ये लोग जो है ना बहुत मजा करते हैं। ये देखे बैक साइड पे कभी आए ना रात को भी यहाँ पे रहने के लगे रमेंगे ना यहाँ पे तो फिर बड़ी मजा आता है। ये देखो आगे यहाँ पे भख रही है तो हूँ जो पाला है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, अगे असी क्या क्या करते हैं वो भी देखिएगा। जी सात जंगल है ते जंगली जानवरों की बहुत खतरनाक जानवरों की आवाज़ आ रही ने जानवर। यहाँ पे अगर आपने स्टे करना है तो थोड़ा सा आपको हौसला रखना होगा, दिल थोड़ा बड़ा होना चाहिए क्योंकि आवाज़ें तरह तरह की यहाँ पे आती हैं, फिर ये ना हो कि आपका त्राव निकल जावे। त्राव को आप जो है ना अपना सही से रखना है। ओ की करन दिया मक्का
उधर लगता है कोई जंगली जंगली जानवर उसने देख लिया, तो उसके साथ ये बहुत बहादुर लड़का है उसके साथ पिट जाता है। एक दफा का जिक्र है कि इसने कुत्ते के कान को फाड़ लिया था। अरे साल ये जी रात का डिनर कर रहे हैं हम, डिनर आज ये रात का हम जो ना खाना यहाँ पे कैंपिंग की हुई है जी। आ वेखो जी स्वाद आ रहा जी, आ सारे हमारे दोस्त बाबा आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप भी आए इसी तरह जो है ना ये फ्रेश बना के ताज़ा जो है ना इसको खाएं। ये देखें भाई साहब ये कौन, ये क्या चीज़ है? ये यहाँ की मशहूर डिश है जी, नाम का इसका मुझे पता नहीं है, बारकाफ खाते हैं इसका स्वाद बहुत आता है। देखो तुम्हें देखो लुक देखो लुक देखो लुक, लुक देखो। बशर पुत्र कैसा लग रहा है? ये अबू बकर साहब दसन के खा रहे ने जी, तो असं खा के फिर दसते हैं कैसा लग रहा है। वधिया जी, आ मकामी लोगों का बहुत शुक्रिया। देखो जी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव करते हैं ये, इन इस चीज़ के नाम का सानू कोई पता नहीं है जी, पर क्या बस खाती जा रहे हैं स्वादी पूरा जे चश्मे चौस आ गई आए चस्के। ठंड का मौसम है, धुआं निकल रहा है, तो खान का अपनी एदा जड़ा ना चसाका है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, असी तुहानू होर भी विखाने आ अगे अगे हुंदा है क्या। बिलाल साहब तुहानू कैसा लग रहा है? तत्ता लग रहा है फुल गर्म है, वेखो जी तत्ता देखा ना ये धुआं निकल रहा है, छाड़ पै रहा है, इसको खाने वास्ते ना थोड़ा सा आपको हाथ वाथ का ध्यान करना है, ये ना हो कि आपका हाथ जो है ना लुया जाए सड़ जाए। यार मुझे जो ना ये क्या बोलते हैं उर्दू जैसे तरह की आंधी है, मैं वैसी जो ना गल कर रहा हूँ। आप इंग्लिश में बात करें ना, हमें भज्जी टूटी उर्दू इंग्लिश वाली जो जो है ना फिर आपको समझ नहीं आएगी। इंग्लिश हमारी ऐसी है ए बी सी डी ई एफ जी डब्ल्यू एक्स वाई जेड करो तर्जमा। ये इंग्लिश किसको कहते हैं जिसकी समझ ना आए, जिसकी समझ ही ना आए।